गाइस अस्सलाम वालेकुम। और आज के व्लॉग की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं पिछले हफ्ते गया था दिल्ली। मैंने जयपुर से ली बस, उसने लगा दिए पूरे 8 घंटे और पूरी कमर अकड़ चुकी थी हमारी और बिल्कुल थक चुके थे। और दिल्ली का ट्रैफिक पूछो मत हो भाई, दिल्ली का ट्रैफिक ने हमें भी बहुत सताया। फिर हम फाइनली हम पहुँचे तो जाके देखा कि मेट्रो में भी बहुत भीड़ थी, जरा आप देख लो कितनी भीड़ थी। फिर हमने ली वहाँ से कैब और कैब से हम पहुँचे दोस्त के घर। फिर वहाँ हमने ली चैन की नींद और अर्ली इन दी मॉर्निंग हम तैयार होकर पहुँचे सेंट्रल पार्क सीपी। वहाँ जाके हुआ क्या आप देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आपका रोज़ आपकी खिदमत में है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मैं जयपुर में रहा हूँ पर मैं दिल्ली हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं इस वक्त हूँ सीपी। एंड मैंने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि यहाँ पर आज वैसे संडे है और टिकटॉक का माहौल इतना है यहाँ पर, एवरीवेयर टिकटॉकर, मार्केटिंग टिकटॉक की यहाँ से होती है। मैं उन सीपी में अवेलेबल जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप इंडोर भी शूट करोगे ना तब भी आप फेमस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि गार्डन भर दोगे आप और भेड़ चाल चल रहे हो, नहीं, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, अपनी वॉइस में बनाएं। और वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट भी थे जिन्हों में टैलेंट था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप। तो ये सब मेरा ओपिनियन था, शायद आपको ऐसा नहीं लगे तो आपकी जो इच्छा है वो करें, ऑल दी टिकटॉकर्स। एंड मैं सीपी में ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे मिले भाई करण सहगल, जिन्हें आप जानते होंगे शायद, वो बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर भी हैं। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला है तो आप देखिए। हेलो गाइस, तो मैं दिल्ली में था तो मुझे मिले करण भाई। तो करण भाई, क्या नाम है आपके चैनल? मेरा नाम रॉक्सजर चैनल। चलो नाइस मीटिंग यू भाई, लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई को, ठीक है? ठीक है। एंड करण भाई के ने जो बोला तो आप मुझे सब्सक्राइब ना करें प्लीज़, पहले आप मेरा आके काम देखिए कि मैं क्या बनाता हूँ, मेरी वीडियोज़ कैसी है, मैं किस जोनर बनाता हूँ। अगर आप मुझे, मैं आपको अच्छा लगूँ, मेरी वीडियोज़ आपकी अच्छी लगे तो आप मुझे तब सब्सक्राइब कीजिए, किसी के कहने पे नहीं कीजिए। बाकी करण भाई को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही अच्छा दिल है उनका। एंड ज़्यादा नहीं मिल पाए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी आज का दिन हो चुका था पूरा, और अर्ली इन दी मॉर्निंग हम गए जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जाकर ऐसा सुकून मिला, अल्लाह का घर है वहाँ पर, ज़ाती पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। उसके बाद फिर मैं गया इंडिया गेट, इंडिया गेट गया एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट जो वहां पर है वहां गया। ऑल राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट, तो मैं आपको दिखाता हूं ये सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो ये भी बहुत पॉपुलर प्लेस है यहाँ पर विज़िट करने के लिए। और थोड़ा बाइक का कार आ रही है। ऑल राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट और यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा है आर्मी वगैरह का। तो यहाँ पर इंडिया गेट पे जितने भी शहीद हुए हैं उनका सबका नाम लिखा हुआ है। एंड दिखाता हूँ आपको इस फंक्शन की। तो अभी ये सेटअप में चल रहा है इनका थोड़ा, अब देखते हैं कि हम कहाँ जा पाते हैं नेक्स्ट लोकेशन। तो आज चलिए वहाँ चल के देखता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ हम जाने वाले हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बता नहीं सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ और हाथ पूरे जाम हो चुके हैं, पूरी तरफ धुंध छाई हुई है। एंड फिर मैं गया लाल किला। लाल किला अनफॉर्चुनेटली वो बंद था कुछ फंक्शन एंड क्रिसमस एवे की उसको लेकर। ऑल राइट गाइस, तो अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ और वहां से जाएंगे हम लाल किला। तो सर्दी बहुत है, पूरी तरफ कोहरा कोहरा छा गया है, यानी कि 2 घंटे के अंदर मौसम चेंज हो गया है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कहते ना कि दिल्ली की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, आज हमने देख भी ली। तो लाल किला जाकर हम दिखाते हैं फिर आपको लाल किला। तो गाइस, हम अब पहुंच चुके हैं लाल किला और बाकी अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है, लेकिन हम आज जा नहीं पाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट टाइम जब हम दिल्ली आएंगे तो जाने के करेंगे इसके अंदर। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से।
तो गाइस दिल्ली में बहुत खुश है और देखने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था तो अभी कवर हो नहीं पाया है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर ऑल दिल्ली, हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को। लाल किला तो हम जा नहीं पाए, तो यहाँ पर एक हैप्पी क्रिसमस न्यू ईयर मेला लगा है, तो हम इसमें चल के देखते हैं कि इनसाइड क्या क्या है। तो गाइज यहाँ पर एक क्रिसमस मेला लगा है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं खास, तो लाल किला में ऐसा कुछ हमें खास दिखा नहीं। और अब हम एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड से सीलमपुर, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइज तो मैं आ चुका हूँ मेरे फ्रेंड के घर, तो मिलाता हूँ मेरे फ्रेंड से। तो मिस्टर रेहान, आपने इनको मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो इसके लिए मैं दिल्ली आया मिलने, और इसने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हो, खाते भी कुछ नहीं है। ना ना ना, मैंने खाया, ये मुझे ओवरलोड के खिलाया जा रहा, लेकिन फिर भी मैं खा लिया, मन की मोहब्बत से खिला रहा था। हमारे भाई अज़र बहुत अच्छे हैं, और इनका चैनल सब्सक्राइब करें, अज़र रॉक के नाम से। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, और इसका भी चैनल बहुत जल्द आने वाला है, व्लॉगिंग चैनल इसका भी, तो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं भाई से, तो भाई चलते हैं हम। नहीं नहीं यार, रुको यार, रुको, क्या चलना है, दिल्ली जयपुर भी जाना है ना। चलो ये है, तो हम भी आएंगे। हाँ जरूर आओ, आओ आओ जयपुर आओ, और आपको भी हम खिदमत का मौका देंगे, मेहमान नवाजी आपकी भी की जाएगी, आपको भी ना ओवरलोड खिलाया जाएगा। ये तो गाइज अब हम यहाँ से चलते हैं, और फिर हम यहाँ से जाएंगे करोल बाग के लिए, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर गोइंग टू बैक जयपुर। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग मैं निकला वहाँ से, एंड फाइनली मैं जयपुर पहुँच गया, और अभी मैं जयपुर हूँ। बाकी दिल्ली में इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया जितना मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा थी और माहौल बहुत ख़राब था, आपको पता है अभी क्या चल रहा है। एंड सो इस वजह से मुझे आना पड़ा, मेरी फैमिली ने भी कॉल किया कि वहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो घर पे आ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो आपको मैं दिल्ली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में ज़रूर दिखाऊँगा और अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो यही था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं नए साल में, और नया साल में नया कंटेंट, लेकिन वही आपका रॉक सजर कुछ नए रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम गाइस।